गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग एसी वर्मा सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर आई थिंक 17 तक कर लिया था, 18 के आगे अब हम लोग एसी वर्मा करने जा रहे हैं। चैप्टर कौन सा गाइस? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ना यही चैप्टर है आपका क्लास 12 के बोर्ड के लिए भी, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं एंड नॉर्मली भी अभी तक ऐसा देख रहे हैं क्वेश्चन जो कि गुलाम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर हम लोगों को मिल रहे हैं। लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लीजिए एक आपने स्क्वायर लिया है तो फिर एक अगर वर्टेक्स पे कोई चार्ज है तो बाकी तीन वर्टेक्स की वजह से कैसे जो है उसके ऊपर फोर्स लग रही है। फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर तो दो वर्टेक्स की वजह से तीसरी वर्टेक्स पे कितनी फोर्स लग रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है गाइस। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी पे मुझको नहीं फॉलो किया है गाइस तो प्लीज आप जल्दी से मुझे फॉलो कर लें, बिकॉज वहां पर मैं मैथ्स के लेक्चर डेली करता हूं और अब मैंने वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की है तो अभी बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर्स अपलोड होने लगे हैं। एंड गाइस आई हैव ऑलरेडी नाउ कंप्लीटेड डिफरेंशिएबिलिटी और वहां पर 30 लेक्चर्स थे डिफरेंशिएबिलिटी के। एंड आई नो कि आपको पता है कि जे एडवांस में हर साल डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से, ठीक है गाइस। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लें और उसके बाद आप पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर यूट्यूब पे मैं आपको करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 गाइस मैं पढ़ता हूँ एंड मोस्ट ऑफ आपको अगर बोर्स मॉडल पता है तो यू मस्ट बी नोइंग कि क्या यहाँ क्वेश्चन कैसा क्या बोल कह रहा है क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन एटम कंटेन्स वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। तो यू नो दैट कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट मे बी अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस दिया गया है हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट पर, रेडियस कितना है गाइस 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो कितना आता है 10^-10 मीटर, ठीक है। ये हमारा रेडियस है हाइड्रोजन एटम का। विद द प्रोटॉन एट द सेंटर द हाइड्रोजन एटम इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट इन दिस केस। अभी मैंने ग्राउंड स्टेट वर्ड यूज किया था। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, जहां पर हमारा पहला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का नॉर्मली रिसाइड करता है बिना एनर्जी दिए हुए, उसकी जो एक्चुअल की रिलैक्स्ड स्टेट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट। अगर हम चाहते कि हमारे इलेक्ट्रॉन को हम कुछ और एनर्जी दें और अगर वो चला जाता है सेकेंड ऑर्बिट पे तो हम उसको कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो अभी तो वो सारी बातें नहीं हुई है, अभी नॉर्मल है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट पे है और वो उसकी डिस्टेंस जो दी गई है दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है ऐसा अज्यूम किया गया है और प्रोटॉन आपके सेंटर पे है तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो दे रखी ये है। तो फोर्स पूछा गया है गाइस, तो आप बताइए कि फोर्स के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कूलम्स लॉ, ठीक है, सिंपल है। चाहे एटम के अंदर ही क्यों ना हो वहां पर भी हम लोग कूलम्स लॉ ही लगाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कूलम्स लॉ, यू नो कि के टाइम्स Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन दोनों का चार्ज है 1.6 × 10^-19 कूलम्ब, इनकी पोलैरिटी जो है वो अलग होती है। अब फोर्स के लिए के को क्या लिखेंगे हम लोग, यू नो दिस इज 9 × 10^9, दिस इज कांस्टेंट। और Q1 इंटू Q2 कितना हो जाएगा 1.6 × 10^-19 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपसे काफी बार बोल चुका हूं कि ये कैलकुलेशन काफी आती है तो इसको आप याद कर लीजिए ये कैलकुलेशन से, ठीक है। 23.04 × 10^-29 एसआई यूनिट्स में के इंटू क्यू स्क्वायर का होता है। तो इतना अगर आप याद कर लेंगे तो इसकी जगह आप अब यहां पर क्या होगा 0.53 × 0.53 × 10^-20 स्क्वायर करेंगे तो अब आप देख लीजिए इसकी जगह इसको रख दीजिए तो कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी, थोड़ा ही कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब ये -29 है, ये ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगा एंड दिस इज बेसिकली 53 × 53 तो वो +4 भी
ऊपर पहुंच गया आपके। तो कितना हो गया गाइस, तो हम इसको कर सकते हैं 2304 इंटू 100 कर लें, ठीक है, बढ़ा देते हैं तो ये 4 यहाँ से हट जाएगा। सो दिस विल बी बेसिकली 10 की पावर माइनस 9 अपॉन 53 अपॉन 53। तो ये देखिए ये क्या है, अगर 50 होता तो 100 होता, उससे थोड़ा ज़्यादा है तो लगभग 1.9। देखिए मैं लगभग में कर रहा हूँ, आप वो कर सकते बिकॉज कैलकुलेशन बस थोड़ा बहुत होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाले हैं गाइस, तो हम क्लोज होने चाहिए, बहुत पास पास आंसर्स नहीं रहते चाहिए के अंदर। अब देखिए कितने बार जाएगा बताइए, अब अगर ये 2304 है, ये 50 है ना, तो ये लगभग कितने 4 टाइम्स, कम से कम 40 टाइम्स जाता ना। अगर मान लीजिए आप 53 इंटू 4 करेंगे तो 4 3 12 212, ठीक है, तो 2120 यानी 40, तो कुछ तो 40.1 ले लीजिए आप। अब 40.1 इंटू लगभग 2, तो समझ जाइए आप 80.2 वगैरह 10 की पावर माइनस 9, ये ले लिया मैंने ऐसे ही, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं जो भी, क्योंकि नॉर्मली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं तो वहाँ पर खुद ही ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसके पास लगा लेंगे, आपको इसी तरीके से आना चाहिए गाइस, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, तब तक आप इसको नोट करें। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि एक्सटेंशन है क्वेश्चन नंबर 18 का, हाइड्रोजन एटम के बारे में ही है गाइस। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। अब हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। तो डिस्क्रिप्शन क्या था कि रेडियस वॉज अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन था प्रोटॉन था, तो वो डिस्क्रिप्शन था। अब हमें स्पीड बतानी है, तो आप देखिए जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, ये तो पता ही है आपको, तो व्हाट विल हैपन, कौन सा फोर्स लगेगा उस पर, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, यही Fe, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये किसके बराबर है, मास इंटू एक्सिलरेशन, ये फोर्स नहीं होता गाइस, फोर्स यही होता है, ये तो मास इनटू एक्सिलरेशन है, सर्कुलर के केस में जो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन है दैट इज वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यहाँ पे ये एम क्या है, एम ई है, तो वी निकालना है अपने को, तो पहले तो वी स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, एफ ई इंटू आर अपॉन एम ई। अब एफ ई जो पिछली बार आया था वो मेरा कुछ 8.02 आया था, एक्चुअल था 82 into 10 की, मतलब ए कितना आया था 80.2 मेरा आया था 10 की पावर माइनस 9, एक्चुअल इतना है, ठीक है, मतलब क्लोज ही था, ठीक। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसे भी मैं क्लोज ही निकालूंगा, 8.2 into 10 की पावर माइनस 8 इसको रख दो, और दिस इज 0.53 into 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, और ये क्या है 9.1 यानी कि ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप देख लीजिए पहले तो पावर्स को कर लेते हैं हम लोग, पावर कितना बताइए 18 और 31 में आपका अगर 18 चला जाएगा तो कितना बचता गाइस, 31 में 18 चला गया 13 बचा, सो दिस इज 8.2 इंटू 0.53 इंटू 10 की पावर 13 और ये है 9.1, ठीक। अब देखना, अब एक काम करते हैं, इसको 12 बना देते हैं, कितना बना देते हैं 12, और इस 10 को इधर भेज देते हैं, इसको भेज देते हैं 82, ठीक, कितना कर सकते हैं हम लोग। अब देखना मैं कैसे पास आंसर निकालूंगा, क्योंकि यहाँ v स्क्वायर है तो इसको 82 को लिख देंगे 81, समझ ही रहे होंगे आप, 9.1 को लिख देंगे 9 और 0.53 को क्या लिखेंगे, उसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, 0.453 रख देते हैं, ठीक है, और ये 10 की पावर 6, मतलब जब रूट लेंगे हम लोग
ऐसे हो जाएगा। सो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो ये 9 है, तो ये 3 हो गया। यानी V इज इक्वल टू बेसिकली 3 इंटू 10 की पावर 6, और ये जो है 0.53 का रूट है। तो ये क्या किया जाए, उसको 100 करके 10 कर दो और इसको कर दो 49, यानी कि 7। तो ये कितना हो गया, 0.7। तो 0.7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 6, सो V इज बेसिकली 2.1 इंटू 10 की पावर 6। आई नो कि दिस इज वेरी क्लोज जो आंसर, कितना अप्रोक्सीमेशन लगाया देखा आपने, बट बेसिक आइडिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन अप्रोक्सीमेट करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कैसे एकदम धमाल मचा के आंसर के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन किया करें तो आप देखें कि इस तरीके से सिंपल 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 स्टेप लेते जाएं, पहले खूब प्रैक्टिस करें। हो सकता है कि पहले आपका आंसर ना आए, लेकिन धीरे धीरे आप खुद अकल लगाने लगेंगे और आपके आंसर बिल्कुल क्लोज आने लगेंगे, ठीक है। आप सही ऑप्शन जिससे मार्क कर पाए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 गाइज। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। सो गाइज, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं एससी वर्मा का। That is बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 20, 30 और इस तरीके से 100 तक। द फर्स्ट पार्टिकल हैज अ चार्ज 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, द सेकेंड 8 इंटू 10 की यानी कि क्यूब में जा रहा है, पढ़िए मेरे साथ, थर्ड 27 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम एंड सो ऑन। द 10th पार्टिकल हैज अ चार्ज ऑफ 1000, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक एक्स एक्सिस है, उस पे ओरिजिन पे एक 1 कूलम चार्ज रखा है, उसके पास फिर 10 सेंटीमीटर पे एक रखा है, एक ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर पे रखा है, और ऐसे 100 सेंटीमीटर तक 10 चार्जेस रखे हुए, ठीक है। फिर चार्जेस की वैल्यू दी गई है, आई एम टेलिंग यू 1 इंटू, पहला तो कूलम है, 1 कूलम है, फिर ये पहला है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8, फिर अगला है 2 का क्यूब मतलब 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है, और ऐसे ये 1000 दिया गया है। यानी बेसिकली आप आइडिया समझ सकते हैं, 2 का क्यूब है, फिर अगला 3 का क्यूब है, और इसका क्या है 10 का क्यूब है, इस तरीके से है। अब कुछ नहीं गाइस, अगर ये 1 कूलम में आप इसकी वजह से फोर्स निकाले, फिर इसकी वजह से निकाले, फिर ऐसे सबकी वजह से निकाले सुपरपोजिशन, और सब क्या है, सब रिपल कर रहा है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब मैं लिखता हूं इसके लिए एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा देखिए आप, तो इधर तो आपका के रहेगा और ये 1 कूलम है, इधर क्या रहेगा, पहला मैं लिखता हूं That is 1 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम, और 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 सेंटीमीटर मतलब 10 बाई 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो मैं लिखूंगा, तो मैं कुछ ही लिखूंगा, उसके बाद मैं किसमें रिलेशन निकालूंगा, वो 2 का क्यूब है, 8 लिखा है ना, 10 की पावर माइनस 8 है, और यहां पर आ रहा है 20 बाई 100 का होल स्क्वायर। ऐसे करते करते देखिएगा k टाइम्स है, और ये 10 का क्यूब है, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 8 कूलम है, और ये 100 बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं, कूलम्स लॉ है। अब देखिए इसमें से क्या क्या आप कॉमन ले सकते हैं, वो आप कॉमन ले लीजिए, k इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और ये 100 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये 100 का स्क्वायर ऊपर आ गया, ठीक है ऐसे। अब आप देखिएगा यहां पर, अब यहां क्या बचेगा, 10 की पावर माइनस 8 भी ले लिया आपने, तो ये 1 का इसको क्यूब है, और ये क्या है आपका 10 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। अच्छा, इसमें सब में ये भी देखिए आप, ये कैंसिल हो जाएगा,
सबका एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, ये वन ही कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये टेन, टेन का स्क्वायर ही क्या हो जाएगा, यानी हंड्रेड जाएगा ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या बचा यहाँ पर, आप देखिए टेन का वो भी चला गया, तो ये वन का स्क्वायर, ये टू का स्क्वायर, और ऐसे ये टेन का होल क्यूब अपॉन टेन का स्क्वायर। समझ में आया ना क्या क्या किया, ये 10/100 था, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, तो एक जीरो तो सबका कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो ये 1/10, तो 10 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया नीचे से, तो वो ऊपर जाके 100 हो गया, तो ये 1 का स्क्वायर 2 का, अब आप खुद ही देखिए एक एक कट जाएगा इसमें से, तो ये क्या बचा, एफ के इंटू 1 × 10⁻¹⁸ × 100, और ये 1 + 2 + 3 आप इसका फॉर्मूला जानते ही होंगे, n × n+1/2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का, 10 × 11/2 यानी कि 55, कितना हो जाएगा ये, इसकी जगह रख सकते हैं हम लोग 55। अब बाकी की चीजें चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया गया हमें, 9 × 10⁻¹⁹ × 10⁻¹⁹ So this is basically 55 × 100, ठीक है, तो 55 × 900 × 55 और एक 10, यानी कि 9000 × 55 न्यूटन, इसको कर लेते हैं हम लोग, 55 × 9 = 95 = 45, 4 तो 495,000 न्यूटन, 495,000 न्यूटन, व्हाट इज दैट, 4.95 × 10⁵ न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स हो गया, तो देखो क्या किया हमने, वहां पे चार्ज दिया था कि वन पहली जो है आपका मतलब ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर पे ये रखा था, 20 सेंटीमीटर पे रखा था, 100 सेंटीमीटर, तो मतलब किस तरीके का क्वेश्चन था कि आपके कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो सिंपल था, बस कूलम्स लॉ ही लग रहा है, बस टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। जैसा जैसा बोल रहे हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने की कोशिश करिए, यू विल बी गेटिंग, ठीक है। थोड़ा आइडिया तो लग ही रहा होगा कि कैसे सॉल्व करना है ना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 21 क्वेश्चन। सो गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 21, क्योंकि इसके बाद सब एक जैसे क्वेश्चन होंगे, उनको एक ही साथ देखना सही रहेगा। तो 21st क्वेश्चन देखते हैं, आप भी पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले खुद से पढ़िए क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करिए, फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करिए, बिकॉज उसी तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना आएगा। तो 21st क्वेश्चन बोल रहा है, टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2 × 10⁻¹⁸ कूलम्ब ईच आर जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड द सिस्टम इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो गाइस हर एक लाइन को पढ़ते वक्त आप जरा सोचा करिए कि इंसुलेटिंग स्ट्रिंग क्यों दिया है, ठीक है, सिस्टम को स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे क्यों रखा है, ठीक है। तो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग क्यों लिखा दिया है, अगर कंडक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो चार्ज रह पाएगा क्या उनके बीच में, और फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन रहेगा तो फ्रिक्शन के भी फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा हमें। अभी क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है दोनों चार्ज पार्टिकल्स में वो तो लग रहा होगा, लेकिन स्ट्रिंग को टाइट रहने के लिए उसमें टेंशन भी लगेगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम लोग, मतलब कुछ इस तरीके से है, स्ट्रिंग अगर टाइट है आपकी ऐसे, टाइट रहेगी बिकॉज ये इधर से उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा, और ये इधर से रिपल कर रहा होगा ऐसे, ये क्यू है, दोनों सेम ही है शायद, चार्ज है यहाँ, या दोनों सेम है, तो ये है, अब ये रिपल कर रहा है, एक इधर टी लग रहा होगा, इधर भी टी लग रहा होगा, अब एफ क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी के बराबर होगा, तभी तो बैलेंस रहेगा। अब वैल्यूज को रख दो, अब के क्या है 9 × 10⁹, क्यू कितना है 2 × 2 × 10⁻¹⁶, क्योंकि वहां दिया गया है दोनों चार्ज 2 × 10⁻¹⁸ है, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, और आर 1 है, ठीक है, ये टेंशन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया।
अब कैलकुलेशन कर लेते, बढ़िया आसान है। तो 9 4 36 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन, तो 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन। तो बड़ी जल्दी हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अब 21st क्वेश्चन तक गाइस पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से और भी प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल गाइस, और अनअकैडमी पे फॉलो करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।